से हमारे जो भी दोस्त लोग सब एक साथ है तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग के बीच में बोलने का मौका मिला बहुत खुशी और आज के जो हमारे रामशंकर सर के लिए जोर रखने ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा आप लोग को एक रीजन देना चाहूँगा इसमें कितने आदमी नए हैं हाथ उठा सके मतलब नहीं ज्वाइन हुए आप ज्वाइन हो गए मतलब ज्वाइन ज्वाइन हो के मतलब आप कुछ आगे कुछ करना चाहते हैं राइट तो सबसे देखिए बहुत सारी रीजन है बहुत सारे तरीका है एक्शन करने का हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस बहुत कुछ है सही ना कोई हेल्थ के लिए आते हैं कोई वेल्थ के लिए आते हैं कुछ अलग अलग हर आदमी का एक एजेंडा होता है इसमें आने का कोई ऐसी जबरदस्ती भी आ जाते हैं कोई ऐसे घूमते घूमते आ जाते हैं उसमें से मैं भी घूमते घूमते आया था यहाँ पे जो कि एक टेस्ट लेने के लिए लेकिन आज ESSP बन गया हूँ क्योंकि कहते हैं ना जब चेंज होना होता है लाइफ को कहीं से गलती तरीके गलत जो कि गलत तरीके से अगर इसमें घुस गए मतलब गलत संगत से अच्छे संगत में आप आ जाएंगे तो आप सफल हो जाते हैं तो मेरा नाम कामेश्वर मंडल है और धनसर जिला गांधी सब भाई वार्ड नंबर 6 हाल विद्यानगर पालिका 8 और आज मैं कहना चाहूंगा अगर आज आप लोग देख रहे हैं मुझे यहाँ पे इनवाइट किए थोड़ा बोलने के लिए तो मैं एक ही चीज कहता हूँ जब से मैं लगा हूँ आज से कुछ जो कि 3 साल नहीं हुआ है मेरा 3 साल पहले जो मैं लगा था तो एक चीज मेरे को दिन में दूसरे दिन एक्शन में ज्वाइन होने के दूसरे दिन ही समझ में आ गया वही चीज से आज मैं अचीवमेंट पे करना जा रहा हूँ और आज मेरा सक्सेस का राज कहेंगे बहुत गरीबी मैंने देखा बहुत ऐसा उतार चढ़ाव अपने जिंदगी में देखा लेकिन उस उतार चढ़ाव को अलग एक दिशा देने के लिए मैंने 10 साल जो कि मेरा सर्विस था जो कि एक नौकर का जिंदगी था एक लेबर का जिंदगी था उसमें मुझे हर चीज वो झेलना पड़ा जो कि एक लेबर ऐसा जॉब होता है जहाँ पे आपको हर काम करवाया जाता है झाड़ू हो पोछा हो हर चीज काम करवाया जाता है उसमें मुझे एक दिन हो गया था कि इस क्षेत्र से रह के मैं अपने देश के लिए कुछ कर सकता हूँ मैं तो अपने लिए कर सकता हूँ मैं तो अपने परिवार के लिए कुछ कर सकता हूँ मैं तो अपने शरीर के लिए कुछ कर सकता हूँ कुछ चंद पैसा मेरे पास हो जाएगा लेकिन वो भी पैसा मेरा कुछ काम का नहीं होगा क्योंकि पैसा उसी आदमी को हो पाते हैं जो आदमी हेल्दी होते हैं ना जो आदमी हेल्दी नहीं है वो उसका पैसा बेकार है सही कि नहीं अगर आपके पास लाखों करोड़ है वो हेल्दी नहीं है लेकिन सबसे बड़ा रीजन मुझे इसमें ये लगा कि आज तक मैं एक आम आदमी था नहीं तो पढ़ लिख पाया नहीं कुछ कर पाया अगर मैं अपने देश के लिए भी कुछ नहीं कर पाया सही ना बहुत दुख लगा क्योंकि हमारे देश में बहुत ऐसे आदमी है कुछ जवान है जो कि अपने देश के लिए लड़ रहे हैं कोई नेता है कोई अलग अलग अपने देश को मनाने में लगे हैं नेपाल में बैठ के कुछ ऐसा काम कर रहे हैं वो विदेश आना नहीं चाहते हैं नेपाल में नेपाल का जो कि आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं सही ना तो मैंने ये सोचा अगर मैं वर्कशॉप नहीं कुछ कर सकता हूँ लेकिन अगर एक सच्चा नागरिक होने की वजह से अगर मैं कहीं से भी अगर एक अच्छा काम कर दूँ देश का नाम कर दूँ तो भी तो वो एक नाम है ना एक काम है ना अगर देखिए हर जंग हर जगह मतलब कोई भी सेना हो कोई भी आर्मी हो वो बिना भूखा पेट कोई लड़ सकता है जंग करने के लिए हर आदमी बहुत प्लान बनाते हैं बहुत कुछ प्लान बनाते हैं लेकिन वो उस प्लान पे अमल नहीं कर पाते क्योंकि रीजन क्या होता है पैसा है ना देखिए जो आदमी अस्वस्थ है वो आर्मी में जा सकता है किसी ने नेपाल में एक अच्छा बिजनेस करने का सोचा उसके पास पैसा नहीं तो सक्सेस हो पाएगा अगर ये सब रीजन है हमारे देश पीछे पड़ने का तो अगर हम यहाँ से अगर जो कि हेल्दी सबसे पहले हेल्थ बना सकते हैं हम अपने देशवासियों को राइट और यहाँ से हम अपने जो कि आर्थिक समस्या दूर कर सकते हैं और हमारा देश जो गरीब है उसको अमीर बना सकते हैं राइट मैं उसी देश का नागरिक हूँ जिस देश में मुझे जॉब नहीं मिला है राइट जॉब नहीं मिलने के कारण से मैं कतार में आया हूँ आप लोग भी इसी वजह से आए राइट क्योंकि वो हमारा जो कि एक जो भाग्य धक्का कहे तो वो अच्छा रहेगा क्योंकि हमें वैसा अवसर नहीं मिला हमारे अपने देश में है राइट हमें मजबूरी से कतार आना पड़ा लेकिन वो चीज हमें इस रिएक्शन से पैदा करना है कि अगर आज लाखों आदमी लाखों युवा विदेश आ रहे हैं विदेश आने का क्रम हमें रोकना होगा क्योंकि हमारा देश तरक्की करे राइट और ये सिस्टम है रिएक्शन में अगर आप अगर इस कॉन्टेंट को यूज करते हैं तो पहले अपने देशवासियों को आप हेल्दी पहुंचा सकते हैं राइट उसके बाद में एक अच्छे समाज सेवक के तौर पे आप उभर सकते हैं और एक अच्छे जिम्मेवारी नागरिक के तौर पे अपने देश को सेवा कर सकते हैं ताकि अगर आज मैं
पहले मैं एक गरीब आदमी था जिसका सैलरी 600 रियाल था, जो कि अपने बाल बच्चे को भी नहीं पढ़ा सकता था, ऐसा आदमी था। लेकिन आज उसी हमारे देश के अर्थतंत्र जो कहते हैं उसमें मेरा योगदान और उसका टैक्स जो ज्यादा ज्यादा होगा, क्योंकि आज मैं 3 लाख रुपए ले रहा हूँ। आज 3 लाख है, शायद 3 साल के अंदर 3 लाख है, तो अगर और आगे जाएगा वो करोड़ों पहुंच सकता है, राइट? क्योंकि हम अगर मैं जहाँ पे था वहाँ पे मैं करोड़ का सपना भी नहीं देख सकता था, 1 लाख का मैंडल कैसा होता है वो भी नहीं देख पाया था, 1 लाख कैसे किसको कहते हैं वो भी नहीं, सपने में भी नहीं आता था, ऐसा सोच भी नहीं आता था कि 1 लाख किसको कहते हैं, मतलब एक बार 1 लाख रुपया पैसा कभी नहीं देखा था। ऐसा आदमी जो कि आज नेशन के हर महीने जो कि लाखों रुपया कमा रहे हैं, राइट? और अपना जो कि फ्रीडम लाइफ अपना ये चीज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं कहता हूँ, ये सब अगर आप लोग पैसा के लिए आ रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, सबसे पहले अपने नाम के लिए आइए आगे, राइट? देखिए, हर हमारे देश में आर्मी है, इंडिया में है, पाकिस्तान में, हर देश में एक आर्मी होता है और वो समाज सेवा करते हैं, राइट? वो सैलरी के लिए काम नहीं करता मेरे ख्याल से, राइट? क्योंकि वो उसको हर वक्त मरने का एक फिक्र और वो अपना कफन सर पे लेके घूमते हैं, सही है कि नहीं? तो आज से हम अगर रिएक्शन में जो लग चुके हैं, कोई स्टार बने, कोई रूबी बने, तो यही मैं कहता हूँ दोस्त, अगर बाकी रीजन मत छोड़िए, अपने का परिवार है, अपने बच्चा है, ये कर रहा है, इधर से मेरा पैसा कमती है, ये है वो है, ये सब सारे बहाने हैं। अगर आप भी सोच रहे कि मैं अपने देश का एक अच्छा सिपाही हूँ और अपना कफन जो कि अपना माथे पे लेके घूमे, और तो मैं कहता हूँ जैसन करने के लिए आपको बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह उसमें मान सम्मान मिलता है ना, उसी तरह यहाँ पे देखे वर्दी को प्यार, इसके लिए कीजिए, अपने देश के नाम के लिए कीजिए, अपने परिवार के नाम के लिए कीजिए और खुद के नाम के लिए करे। और कहता हूँ सर, इसके लिए आप हार जाइए, जिंदगी का हर पैसा और हर चीज हार जाइए, लेकिन फिर भी जीतने का तमन्ना रखिए, क्योंकि यहाँ से वो चीज मिलता है जो कि दुनिया में कहीं पे नहीं है, राइट? ऐसा कोई ऐसा पैसा नहीं, ऐसा कोई ऐसा जागीर नहीं, दुनिया का कोई ऐसा दौलत नहीं है जो ये खुशी आपको दे सके। शायद भले ही आप बिल गेट बन जाइए, लेकिन बिल गेट बन जाएंगे उतना अमीर हो जाएंगे, लेकिन आप ऐसा सम्मानित व्यक्ति नहीं हो सकते, राइट? बिल गेट को भी अपना कंपनी के अंदर जो आदमी है उससे नाराज है, राइट? लेकिन मैं आज गर्व के साथ में कहता हूँ, मेरे टीम में 3.5 आदमी है वो हैप्पी है, राइट? इसलिए हैप्पी है, वो किसी न किसी रीजन से आया, कोई जो कि शरीर के बीमारी लेके आया उसको हेल्थ मिल गया, जो वेल्थ के प्रॉब्लम से आया उसको वेल्थ मिल गया, आज डायमंड है मेरे नीचे, 3 आदमी डायमंड है, वो आदमी हेल्थ भी अभी आप लोग के बीच से गया, राइट? वो हेल्दी है, तो उसको वो रीजन मिल गया, वो संतुष्ट है, तो मैं कहता हूँ वो संतुष्ट है तो उसके दिल से एक ही दुआ निकलता होगा कि मेरा जिस प्लेटफॉर्म में मेरा अगर लीडर जी को मेरे को रास्ता दिखा दिया वो राइट है, और राइट चॉइस है यही डायरेक्शन, और मुझे सफल बनने का एक मौका है, तो ये सफलता आप लोगों के लिए है, क्योंकि आप लोग भी आ चुके हैं इस माध्यम में, और आप लोगों को मैं कहता हूँ अगर कभी भी दिल अगर लगे कि मैं गलत जगह पे हूँ, तो एक ही आवाज अंदर से आना चाहिए कि मैं जो कि यही जगह पे हूँ जहाँ से एक आदमी नहीं, 2 आदमी नहीं, लाखों करोड़ आदमी सफल हो चुके हैं, हम तो कुछ चंद आदमी है, राइट? आपसे पहले 25 साल पहले मैं मलेशिया में जाकर देख चुका हूँ कि वहाँ पे लाखों आदमी इस रिएक्शन के क्षेत्र से सफल हो चुके हैं। असफल तो बात छोड़िए, सफल आदमी लाखों हैं, तो असफल तो बात अलग करें, राइट? तो वो आदमी बन सकते हैं, वो उसके बाद भी 2 हाथ पैर है और हमारे भी जो नाक है कान है वो सेम है, वो क्या अवतार तो नहीं है ना, हमारे जैसा एक इंसान है, राइट? और मैं कहता हूँ इंसान अपने आप पे आ जाए तो जो कि अवतार से भी ऊपर है उसका दर्जा, राइट? तो अपने आप को पहचानिए दोस्त, आप लोग भी सफल हो सकते हैं, इतना ही कहना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग।